टू माय चैनल नीतू फूड रेसिपी। आज मैं आप लोगों को चने का दाल का पराठा बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करिए। पराठा बनाने की विधि बताती हूँ और इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। ये देखिए चना के दाल, ये मैंने 2 कटोरी चना दाल लिया है जिसको मैं रात में भिगो दिया था और अब इस समय मैं इसको बनाऊँगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। देखिए मैं 2 कटोरी चने की दाल के हिसाब से मैंने इतनी लहसुन लिया है, लहसुन की कलियां जो मैं छील के रखी हूँ, और ये मेरी ग्रीन चिली हरी मिर्च इसको मैंने कट करके रखा है, और ये कुछ स्पाइसेस हैं। ये है लौंग, 4 लौंग है, थोड़ी सी इलायची है, दालचीनी और जीरा, और ये दालचीनी, ये सारा कुछ मैंने जो है स्पाइसेस लिया है। आपको पीस के, आपको दाल को पीस लिया है। ये ऐसी दाल हमारी होनी चाहिए, बहुत पतली दाल हमें नहीं करनी है, थोड़ी हमारी दाल थिक होनी चाहिए। इसको आप पानी डाल के मत पीसिएगा, ये ऐसे ही भीगी हुई दाल पीस जाती है। अब इसमें मैं डालूँगी ग्रीन चिली और गार्लिक, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, इसको मैं मिला दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये है मेरा स्पाइस जो मैंने आपको दिखाए थे, सारे स्पाइसेस इसमें मैं डाल दूंगी। इसमें डालूंगी नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकती हैं। क्योंकि मैं इसको टेस्ट के अनुसार ही डालूंगी, आप अगर ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। और मैं सारी चीज़ों को इसको मिक्स कर दूंगी। बहुत अच्छे से इसको मिला लीजिएगा। ये देखिए मैं गैस ऑन कर रही हूँ। ये पैन में मैंने थोड़े से पानी रखे हैं, थोड़ा सा पानी रखूंगी बॉइल्ड होने के लिए, और डालूंगी थोड़े से सॉल्ट। कोई भी ऑयल आप इसमें डाल सकते हैं, मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डालूंगी जिससे मेरा फरा जो है वो चिपके ना। 1-2 ड्रॉप मुझे बस डालना है इसमें, ज़्यादा नहीं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, ढक दूंगी, थोड़े देर के लिए रख देती हूँ। पानी जब मेरा बॉयल होगा तब मैं फरा बनाऊंगी। आइए अब फरा कैसे बनाते हैं ये मैं आपको, मैंने आटा गूंद के रख लिया था, बनाते हैं वैसे ही आटा हमें गूंद के रखना है। ये मैंने बना ली, अब इसकी मैं छोटी छोटी लोई बनाऊंगी जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं। ये देखिए छोटी छोटी लोई बनाऊंगी, ऐसे छोटी छोटी लोई बनाऊंगी। जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा है तब तक मैं सारे फरे बना लेती हूँ। ऐसे छोटे छोटे पूरी की शेप की हम लोई बना लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम सारी लोई को बेल लेंगे। तक मेरा पानी बॉइल्ड हो रहा है, अब सारी पूरियां मैंने देखी बना लिया है। अब मैं इसको आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें भरते हैं। ये देखिए ऐसे इसको भरना है, ये दोनों साइड से आपको इसको ऐसे पकड़ना है और ये ऐसे ऐसे चिपकाते जाइए। किसी चीज की लगाने की इसमें जरूरत नहीं चिपकाने के लिए, ये देखिए ऐसे चिपक जाएगा, और ये मैं साइड से जरा सा इसको खोल दूंगी ताकि मेरे अंदर का जो इसमें भरा हुआ दाल है वो अच्छे से पक जाए। ये पानी मैंने बॉयल किया है, देखिए ऐसे, देखिए मैं सब इस पानी में डालती जाऊंगी। पानी मेरा अच्छा बॉयल हो गया, गैस को मैं कम कर दूंगी और इस तरह से
अब गैस को मैं थोड़ा सा तेज करूंगी, मीडियम फ्लेम पे। इसको मैं ढक दूंगी खोलने के लिए। 10 मिनट तक ये ऐसे ही खोलता रहेगा, उसके बाद मैं फिर आपको चेक करके बताऊंगी कि मेरा फर्क अभी हुआ कि नहीं। इसको मैं बीच बीच में खोल के चेक करती रहूंगी ये नीचे चिपके ना। ये देखिए ऐसे बॉयल, ऐसे से आप हल्के हल्के हाथों से इसको चला दीजिएगा, बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे चला चला के इसको चेक करते रहिए बस, और फिर मैं इसको ढक दूंगी। ये देखिए मेरा फराब बन गया है, इसको 15 मिनट्स लगे हैं बनने में। अब इसको मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये हो गया। ये नाइफ लिया है मैंने, इसको इसके अंदर डालिएगा, अगर ये चिपक नहीं रहा है तो समझिए कि आपका फरा हो गया। देखिए मेरा फरा हो गया, देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया एकदम। ये देखिए अब मैं इन सबको निकाल दूंगी। ये निकाल के इनको मैं प्लेट में रख दूंगी। इसको 5 मिनट्स तक मैं निकालने के बाद छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा ये सूख जाए। 5 मिनट्स इसको रख दीजिएगा, ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी। ये देखिए मेरा फरा जो है 5 मिनट्स मैंने रख दिया, ये ठंडा हो गया है। अब इसको मैं कट करूंगी, इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मैं कट करूंगी। ऐसे ही मैं सारे फरे को कट करके मैं पैन चढ़ा दूंगी। और इसमें मैं गैस को ऑन कर दिया है मैंने, ये पैन मेरा गर्म हो गया। अब इसमें मैं थोड़े से ऑयल डालूंगी, तब तक मेरा ऑयल गर्म होगा तब तक हम अपना फरा जो है वो कट कर लेंगे। 2 टेबल स्पून आप डाल दीजिएगा। अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें अपने परे को डालूंगी। अब इस सबको मैं फ्राई करूंगी, इसको कम ही रखिएगा, इसको मैं हल्के हल्के हाथों से फ्राई करूंगी। अच्छा फ्राई हो रहा है। अब इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून बस डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने अब पहले से ही मिर्च बहुत डाला है, ग्रीन चिली। अब ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चाट पाउडर, और ये है मेरा थोड़ा सा गरम मसाला। और ये हल्का सा सॉल्ट ताकि मेरे फरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया नाश्ता है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बस स्पाइसेस मिल जाए इसमें।
इसको बनाने में मुझे 30 मिनट्स लगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है, ये मेरा फरा तैयार है। टेस्ट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। आप इसको चटनी के साथ, सब्जी के साथ खा सकते हैं। मेरा फरा बन के तैयार हो गया है, अब आप टेस्ट करके बताइएगा कि कैसा बना है। थैंक यू।